दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण करके पूरी नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के ख़त्म कर दिया और वहां मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन इसी समय के दौरान सिकंदर की मृत्यु के बाद अब वहां का नया राजा सेल्यूकस निकेटर भारत पर हमला करने के लिए सारे मध्य एशिया को रौंदता हुआ अब भारत की ओर बढ़ रहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले ज़रूर से उस वीडियो को देख लेना। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बाद की कहानी जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद 326 BCE में वहाँ के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को अब वहाँ का नया राजा बना दिया गया था। और सेल्यूकस निकेटर ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि भारत में कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और इसीलिए वो अपनी सेना के साथ पूरे मध्य एशिया को जीतता हुआ अब भारत की सीमा पर पहुँच चुका था। और इस बार इन्होंने ब्यास नदी को भी पार कर लिया था। सेल्यूकस निकेटर ने जब ब्यास नदी को पार किया तब उसे लगा था कि मगध में धनानंद की नंदा डायनेस्टी है, और वो ये नहीं जानता था कि भारत अब पहले की तरह विभाजित टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था, अब यहाँ चंद्रगुप्त की मौर्य डायनेस्टी थी और वहाँ के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। और इसी समय के दौरान चाणक्य को सेल्यूकस निकेटर के हमले की जानकारी मिली और चाणक्य को ये भी पता चला कि सेल्यूकस निकेटर अपनी सेना में ज़्यादा मात्रा में हाथियों की फौज लाया है, और इसीलिए चाणक्य ने सेल्यूकस निकेटर को उलझा कर रखा और इस युद्ध को एक अलग डायरेक्शन में ले गए और बारिश के मौसम का इंतज़ार किया, क्योंकि चाणक्य ये जानते थे कि बारिश के मौसम में हाथियों की फौज घोड़ों के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी। फिर जब सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया तब चंद्रगुप्त की सेना ने सेल्यूकस निकेटर की सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया था। फिर चंद्रगुप्त की सेना ने सेल्यूकस निकेटर को चारों तरफ से घेर लिया और सेल्यूकस निकेटर भी ये समझ चुका था कि अब सरेंडर नहीं किया तो जिंदा बचना संभव नहीं होगा, और सेल्यूकस निकेटर ने सरेंडर कर दिया। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हिलना को भी भारत लाया था, और तभी चाणक्य ने सेल्यूकस निकेटर से कहा कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि तुम्हें अपनी बेटी हिलना का विवाह चंद्रगुप्त से करना होगा। और फिर चंद्रगुप्त का विवाह हिलना से हुआ, जिसमें चाणक्य ने दहेज में सेल्यूकस निकेटर से आज का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान लिया था। दोस्तों, चाणक्य बहुत ही दूर की सोचते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त का विवाह हिलना से इसीलिए कराया था कि ये जो सिकंदर की संतानें बार बार लौट कर आती है हमला करने, अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अब यहाँ एक रिश्ता बना दिया है, और साथ ही उन्होंने उनसे आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र भी लेकर उसे भारत और मगध के मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। और इसके बाद सेल्यूकस निकेटर वापस अपने देश यूनान लौट गया। यूनान लौटने के बाद उसने अपनी बेटी की खबर उस तक पहुंचाने के लिए एक दूत को भारत भेजा जो उसकी बेटी की खबर उस तक भेजा करता था, जिसका नाम था मेगस्थिनिस। मेगस्थिनिस ने भारत में रहकर एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका, और इस बुक से ही हमें मगध के बारे में ज़्यादातर जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण सिकंदर ने नहीं बल्कि पर्शिया की राजा साइरस ने किया था, क्योंकि वो भारत में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए इसलिए उन्हें इतिहास में इतना महत्व नहीं दिया जाता। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा किए गए खोजों से हमें कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि मौर्य डायनेस्टी के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। मौर्य डायनेस्टी के समय में लोगों के आर्थिक जीवन का मुख्य व्यवसाय फार्मिंग और व्यापार था। तो इसके बाद के वीडियो में हम जानेंगे कि मौर्य डायनेस्टी ने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ।